हिजबुल्ला का दावा है कि इसराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड पर्चे गिराए हैं। हिजबुल्ला के अनुसार इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, जहां उन्हें लेबनान की बेका घाटी में छोड़ा जा रहा है। बयान के मुताबिक बारकोड को स्कैन करने से फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच पर्चों को लेकर इसराइल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। अब ऐसे में साफ है, इसराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिजबुल्ला पर अब जो तकनीक है उसके जरिए हमले किए जा रहे हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बारकोड अटैक किया गया है। बारकोड क्या है? जो हम आप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए या किसी चीज को देखने के लिए, उसकी सच्चाई चेक करने के लिए। दावा यह किया जा रहा है कि बेका घाटी में हिजबुल्ला ने बड़ा दावा किया है कि अब बारकोड के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने कई पर्चे फेंके हैं, ये हिजबुल्ला दावा कर रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है। स्कैन करने से फोन की संवेदनशील जानकारी निकालने का दावा किया जा रहा है। तो ये बारकोड के जरिए पर्चे फेंके जा रहे हैं, पर्चों के जरिए बारकोड फेंके जा रहे हैं और उसको स्कैन अगर करते हैं हिजबुल्ला के आतंकी तो उनकी जानकारी गायब हो रही है, दावे किए जा रहे हैं। बारकोड वाले पर्चे का इस्तेमाल ना करें, ये कहा गया है हिजबुल्ला की ओर से कि अगर आपको बारकोड वाला पर्चा कहीं गिरा हुआ मिलता है तो उसको यूज ना करें, उसे खोले मत, उसको स्कैन मत करें। आरोप पर इसराइल ने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। इसके पहले भी आरोप इसराइल पर रखते रहे हैं, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल और पेजर को लेकर भी, जब उसमें धमाके हुए थे, अब एक और आरोप लग रहा है। लेकिन इजरायली सेना ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। एक और अहम खबर के रुख करते हैं महिमा। बिल्कुल, देखिए लेबनान की अगर जानकारी आपको दी, आपने सुना कि वॉकी टॉकी, पेज और उसके बाद सोलर पैनल की जानकारी आपको नामिका भी दे थी, कैसे धमाके बैक टू बैक हुए। लेकिन इन तस्वीरों के बाद से सवाल खड़ा होता है कि एक नई तकनीक का युद्ध जो है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जो बड़े बड़े देश है उन पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। अमेरिका भी इस पूरी खबर को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। घंटे लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके, पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल सब फटे। लेबनान में धमाका, टेंशन में क्यों अमेरिका? यूं तो इजराइल ने लेबनान में छोटे छोटे धमाके करके अपने दुश्मन हिजबुल्ला को बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन इजराइल के इस कदम ने दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर इजराइल के सबसे करीबी और दुनिया भर में महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका काफी परेशान है। आलम यह है कि खतरनाक तकनीक हमले के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ ये कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। इजराइल में जो धमाके हुए उसके बाद तो अमेरिका का ये कदम कई मायनों में जरूरी भी माना जा रहा है। अब आप ही समझिए, जिन पेजर में धमाके हुए थे वो कंपनी ताइवान की थी। पेजर हंगरी के बुडापेस्ट में तैयार किए गए थे। लेबनान में लोगों ने उन्हें खरीदा और फिर उनमें जानलेवा धमाके हो गए। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के उत्पाद को लेकर दुनिया के किसी देश ने अपनी चिंता जाहिर की है। इससे पहले ब्रिटेन ने भी इस बात का दावा किया था कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद इस बात का दावा किया था। इन चिप के जरिए निजी जानकारियां हासिल करने का भी आरोप लगाया गया था। यही नहीं, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें भी जासूसी वाले चिप लगे हैं। अब अमेरिका को लग रहा है अगर इजराइल दूसरे देश में बने पेजर में धमाके कर सकता है तो कहीं चीन उसकी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हैक न कर ले, जिससे गाड़ियां बड़े पैमाने पर ठप पड़ जाए या फिर आपस में ही लड़ जाए। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चीन ने खास तौर पर कनेक्टेड कार के बाजार में बड़ा निवेश किया है।
पेजर ब्लास्ट के बाद जहां अमेरिका चीन से आयात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर सावधान हो गया है, उसे लगता है कि चीन भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल ना करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, और वहां पर ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दक्षिणी बेरूत की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजरायली वायुसेना ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। ये देखिए एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं यहां पर हमला किया गया है। दो जगह से आप देख सकते हैं, ये नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया है कि अगर किसी भी घर में रॉकेट पाया गया तो उस घर को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, यानी कि चेतावनी नेतन्याहू की तरफ से दी गई है। लेबनान पर IDF का अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हालिया तस्वीरें जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है दक्षिणी बेरूत। और देखिए किस तरीके से लोग भी यहां से पलायन करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहां पर भी किस तरीके से बमबारी हो रही है। पहले पेजर वॉकी टॉकी इसका इस्तेमाल किया गया, अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, यानी कि तकनीकी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और ये गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर इसराइल जो है हिजबुल्ला को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हिजबुल्ला के जितने भी ठिकाने हैं उनको निस्तनाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए एरो के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, इजराइल की वायुसेना की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है जहां पर हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और साथ ही साथ टॉप कमांडर भी इसमें मारा गया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैसी को भी मौत के घाट उतार दिया। IDF की बमबारी में हिजबुल्ला के रॉकेट यूनिट के कमांडर की जान चली गई है। पिछले एक हफ्ते में इजरायल ने हिजबुल्ला के आधा दर्जन से ज्यादा टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्ला के खात्मे के लिए किस तरह कदम उठाए गए हैं और वो कौन कौन से कमांडर हैं हिजबुल्ला के जिनको अब तक मार गिराया गया है, दावे यही किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हिजबुल्ला का मुख्य चीफ हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्ला चीफ, क्या इसको मार दिया गया है। इस पर अभी कहीं ना कहीं संशय बरकरार है जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि इब्राहिम अकील ऑपरेशन कमांडर मारा गया है, अली कराकी कमांडर साउथ फ्रंट मार गिराया गया है। इसराइल लगातार हमले कर रहा है और दावा यही कर रहा है कि हमने तमाम कमांडरों को और तमाम उन लोगों को जो हिजबुल्ला को चला रहे हैं उन सभी लोगों को एक एक करके मार गिराया है। फाउद शुकर मिलिट्री कमांडर है जिसको मार गिराया गया है। विस्तम अल तावीब कमांडर रजवान फोर्स, इसको भी मार गिराने का दावा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि हसन नसरुल्लाह को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक पुष्टि बहुत ज्यादा नहीं हुई है। नसरुल्लाह जो मुख्य चीफ है, जो पूरी तरह से हिजबुल्ला पर नजर रखता है, हिजबुल्ला को पूरी तरह से कमांड करता है और तमाम निर्देश इसकी ओर से हिजबुल्ला को दिए जाते हैं, क्या इसको मार गिराया गया, इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दावे ये किए जा रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। इसके अलावा अबू हसन समीर कमांडर रडवान फोर्स, इसको भी मार गिराया गया है। मोहम्मद नसीर कमांडर अजीज यूनिट, इसको भी मार गिराया गया। अलग अलग यूनिट में बांटा गया है हिजबुल्ला को और इसीलिए दावे किए जा रहे हैं तमाम अलग अलग यूनिट के कमांडर्स को मार गिराया गया है। तालेब समी अब्दुल्ला कमांडर नसर यूनिट और अबू अली रिडा कमांडर बदेर यूनिट, ये सभी लोग यानी कि ये नौ चेहरे हैं, इन नौ चेहरों को मार गिराने का दावा इसराइल की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी हसन नसरुल्लाह जो लगातार तमाम निर्देश देता रहा है हिजबुल्ला को, जो पूरी तरह से नजर रखता है, गाइड करता है हिजबुल्ला के आतंकियों को, क्या उसको मार गिराया गया है, ये सब बड़ा सवाल। लेकिन दावे मार गिराने के किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नामिका आपको जानकारी दे रही थी कि अब तक किस किस को मार गिराया गया, क्योंकि लेबनान पर इसराइल का हमला लगातार जारी, 10,000 रॉकेट्स दागे गए हैं। और देखिए एक बड़ा झटका यहाँ पर हिजबुल्ला के आतंकियों को लगा, हिजबुल्ला का इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो इसराइल